Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome back to another video. ओके सो एक महीने बाद मेरी वीडियो आ रही, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को बहुत लोग पूछ रहे क्या भाई तेरी वीडियो नहीं आ रही, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैं। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग मैसेज कर रहे, तो भाई मैं कहीं पे बिजी हूँ थोड़ा काम में, तो थोड़े दिन के लिए नहीं आएगी मेरी वीडियो। उसके बाद कंटिन्यू आएगी, जैसा मेरी हफ्ते में एक वीडियो आती थी वैसी कंटिन्यू डालूँगा मैं। तो अभी मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, और ये ब्लॉग नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाने वाले, नॉर्मली घर में बैठ के बना रहा हूँ रिएक्शन वीडियो। इससे पहले भी एक रिएक्शन वीडियो मैंने डाला था, ये मेरे चैनल पे दूसरी रिएक्शन वीडियो है। और इससे पहले मैंने डाला था एमसिस्टेन रिप्लाई टू एमीवे एंड डिवाइन, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो डाला था, उस पर भी अच्छे थोड़े बहुत व्यूज़ आए थे। और ये वीडियो भी डाल रहा हूँ मैं, इसमें भी कुछ इसी तरह का शॉर्ट है। उसमें ऐसा था कि एमसिस्टेन ने एमीवे को रिप्लाई करा था, लेकिन अब की बार उल्टा है, एमीवे रिप्लाई कर रहा है डिवाइन को, एमसिस्टेन को और रफ्तार भाई। तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाके गाना लगाते और सुनते और जानते हैं उन लोग की बात। तो ये देखो YouTube चालू है, तो तुम लोग यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा नीचे, स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग यहाँ नीचे स्क्रीन पे दिखेगा, तो तुम लोग वहाँ देखना और गाना सुनना, और उसके बाद कुछ बात करेंगे गाने के बारे में जो अभी अपन सुनेंगे। तो गाइस अभी गाना चालू करते और सुनते, ये गाना है वो समझ में आया क्या, तो अभी मैं प्ले करता हूँ और सुनते। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद अंडरग्राउंड एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। मानेंगे रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं उसमें, उसने बोला एमीवे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटा है, तूने लगाया क्या, मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा मैं घर तेरे आया क्या, हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या, एमीवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% I'm the biggest. My nigga. Chill. Vivian Divine ने भी बोला था पार्टी में एमीवे पैसा कमाया क्या, 101 टक्का तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या, लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या, बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही, बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या, साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं, बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का, समझ में आया क्या, क्या बोलने का बंटा है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan. MC Stan. सुन, ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा बंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मूत पी, बस नाके पे रेल फाटे पे, और MC Stan तू मेरे झाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में आया क्या, आया क्या एलियन के शक्ल के आला जादू। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे, 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ, आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं धावा नहीं करता, तो फायदा उठा रही ली पब्लिक, बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है, बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है, खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे, नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों, क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का, मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या,
ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, चार पाँच साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैटला बॉल डाल मानेगे ये डिस गाना नहीं है, जिस जिस को लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले अपुन, बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग ने देखे, गाना ख़त्म हुआ और गाना सुनने बहुत मज़ा आया। एमी वे भाई, मैं भी अच्छा खासा फ़ैन हूँ, यानी मेरे को भी पसंद है एमी वे। एमी वे ने डिवाइन को बोला, रफ्तार को बोला और एमसी स्टैन, ये तीनों को बोला। और इसके पीछे क्या बातें जो बोला है, अगर तुम लोग को पता करना है तो मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो में सब बताया कि तुम लोग को किस बात पर ये सब हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो जाके देखना ज़रूर। और गाना तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें भी यानी एकदम अब की बार हटके था गाना और बहुत अच्छा था। और ये चीज़ मानना पड़ेगा, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आ गए एमी वे को। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और ये जो टी शर्ट तुम लोगों को दिख रही है, ये टी शर्ट आई है कस्टमाइज किंगडम से। अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है तो जाके करवा सकते हो। इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो जाओ जाके फॉलो करो।